अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद तड़का। आज मैं बना रही हूँ मिनी सैंडविच। मिनी सैंडविच के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, हमें चाहिए आलू पील किए हुए जिसको हमने मैश करके रखा हुआ है, बेसन हसब ज़रूरत, और स्लाइस लिए हैं हमने, स्क्वायर शेप में कट कर लिया है, इसके किनारे जो है वो हमने रिमूव कर दिए हैं, चाट मसाला, काली मिर्च पाउडर, पानी, लाल मिर्च, बेकिंग सोडा, नमक, ऑमलेट के साइज़ में कटी हुई प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्ची, ज़ीरा। अब हम आलू के अंदर इन्ग्रीडियंट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले हम ऐड करेंगे अनियन जो हमने ऑमलेट के साइज़ में काटी हुई है। अनियन ऐड कर रहे हैं हम इसके अंदर थोड़ी सी। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरा धनिया जो हमने छील कर काट कर रखा हुआ है। साबुत ज़ीरा, कटी हुई हरी मिर्च, वन हाफ टेबल स्पून सॉल्ट, टू टेबल स्पून मैं इसके अंदर ऐड करूंगी चाट मसाला, टू टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करूंगी रेड चिल्ली पाउडर, और मैं इसके अंदर ऐड करूंगी वन टेबल स्पून ब्लैक पेपर, अब हम इसको मिक्स करेंगे। कोटिंग के लिए हमने बेसन लिया है, इसमें हमने ऐड किया है नमक वन टेबल स्पून और बेकिंग सोडा ऐड किया है। मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ और इसको मिक्स करेंगे हम अच्छे से ताकि इसके सारे लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाए। दिस इज़ माई फिफ्थ रेसिपी। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अब मैं इसके अंदर और थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, इसको और मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो रहा है अच्छे से ताकि इसके सारे लम्स ख़त्म हो जाए। ये इसकी फाइनल कंसिस्टेंसी, ऐसी हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। हमें ज़्यादा थिक नहीं चाहिए, थोड़ा सा पतला होना चाहिए ये, ताकि आराम से ये कोट हो जाए। तो हमने इसको कर लिया है, फीलिंग जो है रेडी है, इसको हमने मिक्स कर लिया था। इसमें आप लोग अब ये स्लाइस ले रही हूँ मैं। अब हम इसकी फीलिंग इसके ऊपर लगा देंगे, लेयर लगाएंगे एक, और ये लेयर ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि इसके ऊपर सेटल हो जाए। कुछ उस तरीके से इसको लगाना है। आप लोग इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं इसके अंदर चिकन ऐड नहीं कर रही। क्या तो ये हमने एक रेडी कर लिया है। अब हम दूसरा स्लाइस ले रहे हैं, दूसरे स्लाइस पे भी हम ये ऐसी फीलिंग लगाएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल बटन को प्रेस करके ऑल का बटन सेलेक्ट कीजिए, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली रेसिपी सबसे पहले आपको मिले। अब हमने ये दूसरा भी लगा दिया है।
इसको आप बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं। और ये हमने सारे बना लिए हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और अब ये मेरे पास फीलिंग जो है वो बच गई है इसकी, तो मैं इसके बॉल्स बना लूँगी। इसमें मैंने चीज़ ऐड की है, तो ये बन जाएंगे आलू चीज़ बॉल। तो मैं इसको राउंड का शेप दे रही हूँ, इसको मैंने इस तरह का शेप दिया है। मैंने ऑयल भी गरम रख दिया है लो फ्लेम पर। तो जब हमारे चीज़ बॉल रेडी हो जाएंगे तो फिर मैं फ्राई करूँगी। तो नाउ इट्स रेडी, हमारे चीज़ बॉल भी रेडी है, मिनी सैंडविच भी रेडी है। अब हम इसे फ्राई करेंगे, कोट करेंगे बेसन में, बेसन में कोट करेंगे इसे। और अब हम इसे फ्राई करेंगे। आप लोग इसको एग में भी फ्राई कर सकते हैं, बट एग में थोड़े हैवी हो जाते हैं, तो इसलिए मैं एग में फ्राई नहीं कर रही इसको। और अब हमने दूसरा भी बेसन में कोट कर लिया है, अब हम इसको भी फ्राई करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा हैवी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही, मैं बहुत सिंपल से रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल द प्रेस आइकन, बेल को प्रेस कीजिए और का बटन सेलेक्ट कीजिए, लाइक कीजिए मेरी वीडियो को। तो ये हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, ये फ्राई हो रहे हैं लो फ्लेम पर, मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। अब हम ऐड करेंगे पटैटो चीज़ बॉल। ये मैं बॉल्स भी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इट्स रेडी, इट्स रेडी टू ईट। ट्राई कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल को प्रेस करके ऑल का बटन सेलेक्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।